हेलो गाइस, मैं हिमांशु शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे कि रियलिस्टिक ड्राइंग या रियलिस्टिक पेंटिंग क्या होता है, रियलिस्टिक ड्राइंग या पेंटिंग कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रियलिस्टिक ड्राइंग क्या होता है। रियलिस्टिक ड्राइंग या पेंटिंग उस तरह के ड्राइंग या पेंटिंग को या आर्टवर्क को कहते हैं जो बिल्कुल असली जैसा दिखे। रियलिस्टिक का मतलब ही होता है जो बिल्कुल असली जैसा दिखे। तो रियलिस्टिक ड्राइंग हूबहू असली जैसा दिखना चाहिए। आपके पेंटिंग्स में जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप जिस भी तरह के ऑब्जेक्ट को देख के बना रहे हैं ड्राइंग, या किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं किसी पर्सन का, तो जो भी चीज़ आप अपने ड्राइंग या पेंटिंग में दिखाना चाह रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसको बिल्कुल हूबहू मैच कराने की पूरी कोशिश करनी है। रियलिस्टिक ड्राइंग में हम लोग एक एक डिटेल्स पे काम करते हैं। रियलिस्टिक के अलावा इसको और भी अगर अपग्रेडेड वर्जन में देखा जाए, और भी इसके एक लेवल ऊपर जाए, तो उसे हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कहते हैं। हाइपर रियलिस्टिक में एक एक बारीकी, जो छोटी छोटी बारीकी होती है आपके पिक्चर या फोटोज़ में जो दिख रही है, वो बिल्कुल हूबहू आपको उसको मैच कराना होगा और उसको अपने कैनवास पे उतारना होगा या पेपर पे उतारना होगा। आप जिस किसी भी मीडियम में ड्रॉ कर रहे हैं, तो रियलिस्टिक ड्राइंग में आपको पूरे तरीके से मैच कराने की कोशिश करनी होती है। सबसे पहला यही काम होता है। इस तरह के आर्टवर्क में काफ़ी ज़्यादा समय तो लगता ही है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगता है। जिस किसी भी मीडियम में आप काम कर रहे हैं, उस मीडियम के प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और बहुत ही बारीकी के साथ अच्छे से टाइम दे के उसके बाद ही आपको ड्राइंग या पेंटिंग को कंप्लीट करना है। अगर आप हड़बड़ी में काम करेंगे या बहुत जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करेंगे, जल्दीबाजी दिखाएंगे, तो हो सकता है कि आपका काम अच्छे से ना कंप्लीट हो पाए और वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ भी नहीं पाएगा उसमें। इसलिए जब भी आप कभी रियलिस्टिक पेंटिंग करें, तो उसको अच्छा खासा समय दें और अच्छे से काम करें, तभी वो अच्छा दिखेगा और रियलिस्टिक लुक आ पाएगा। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ही शेड्स के बारे में बात करता हूँ, लाइट एंड शेड्स के बारे में अपने ड्राइंग या पेंटिंग्स में, कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी वो बहुत ही मायने रखता है। अगर आप अपने ड्राइंग में अच्छा शेडिंग देते हैं और लाइट और शेड का एक सही कॉम्बिनेशन मिल पाता है आपके अगर ड्राइंग में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका आर्टवर्क बहुत ही रियलिस्टिक दिखे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाने में, कि आप एकदम अच्छे से उसको समय दे के उसका शेडिंग करें, उसके डिटेल्स पे काम करें, और जो भी शेडिंग आ रहा है वो बिल्कुल लाइट और शेड के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए, तो आपका ड्राइंग बहुत ही रियलिस्टिक दिखेगा। अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग या पेंटिंग में बेटर होना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने स्केचिंग के स्किल के ऊपर काम करना होगा। अगर आपका स्केचिंग स्किल अच्छा है, तो आप बहुत ही अच्छे प्रोपोर्शन में किसी भी ड्राइंग को ड्रॉ कर पाएंगे। उसका स्केच बहुत सही ड्रॉ होगा, जो सबसे बेसिक लेवल होता है, जो सबसे पहला पार्ट होता है, सबसे पहला स्टेप होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर आपका स्केच सही हो जाता है, तो उसके बाद बात रह जाती है कलरिंग की, और वहाँ पे आपको ध्यान देना होता है हर चीज़ के बारे में। लेकिन अगर स्केच नहीं अच्छा रहेगा, तो कलरिंग आप कितना भी अच्छा कर लेंगे, तो उसका वो सही लुक नहीं आ पाएगा और बहुत ज़्यादा कमी दिखाई देगा आपके पेंटिंग्स में। तो स्केच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश करें और रोज़ स्केच प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो है पर्सपेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पर्सन को जब आप ड्रॉ कर रहे हैं या पेंट कर रहे हैं, तो आपके देखने का तरीका बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आपका ऑब्जर्वेशन स्किल भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करता है। जब आपके माइंड में उस ऑब्जेक्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही क्लियर है अगर, तो आप उसका बहुत ही सही स्केच बना पाएंगे, और बहुत ही सही ड्राइंग बनाने के बाद आप एक अच्छा पेंटिंग उसके ऊपर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव सही नहीं है, आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर्स है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको अपने मिस्टेक का पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है आपके ड्राइंग में। आप ड्रॉ तो करते चले जाएंगे, लेकिन वो सही ड्राइंग नहीं बन पाएगा और उतना रियलिस्टिक लुक उस पर नहीं आ पाएगा। इसलिए पर्सपेक्टिव अच्छा होना बहुत ज़रूरी है स्केच करने के लिए। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है प्रोपोर्शंस को लेके। जी हाँ, प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शन अगर
कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज़ का स्केच बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो पोर्ट्रेट का सही प्रोपोर्शन का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, उसका सही प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सही स्केच नहीं बन पाएगा पोर्ट्रेट का। प्रोपोर्शन से मेरा मतलब है जो भी साइज़ उसका बनेगा, जो लेंथ होगा, जो ब्रेथ होगा, और जो भी पोजीशन, जो भी एलिमेंट्स आप उसमें डाल रहे हैं, उसका जो पोजीशन होगा वो सही होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो आइज़ कहाँ पर बनेगा, नोज़ कहाँ पर बनेगा, इनके बीच में दूरी कितना होगा, लिप्स कहाँ बनेगा, एक कंप्लीट फेशियल स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ये हो गया पोर्ट्रेट का सही प्रोपोर्शन तैयार करना। तो इसका एक सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ अगर हम बात करें किसी के बॉडी फिगर के ऊपर, अगर हम लोग ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग बना रहे हैं, तो पूरा जो कंप्लीट एनाटॉमी है उसका सही नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक प्रैक्टिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिगर ड्राइंग में भी हम सभी को इस सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रोपोर्शंस कितना होना चाहिए बॉडी फिगर का, कहाँ पे लिम्स बनेगा, कहाँ पे लेग्स बनेंगे, कहाँ पे फेस बनेगा, कितना ब्रेथ होना चाहिए, कितना लेंथ होना चाहिए किसी भी चीज़ का। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है प्रोपोर्शन के मामले में, तो एक सही स्ट्रक्चर बन पाएगा, चाहे वो बॉडी का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फेस का स्ट्रक्चर हो। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ब्लेंडिंग का। ब्लेंडिंग अगर हम लोग का सही नहीं रहेगा तो वो अच्छा नहीं दिखता है ड्राइंग, और एक अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। तो सही तरीके से ब्लेंडिंग करने के लिए आप अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो केवल और केवल पेंसिल से भी आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अलग अलग तरह के टूल्स जैसे आते हैं मार्केट में, बहुत सारे आर्ट सप्लाइज़ में अवेलेबल हैं टूल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, आप टिश्यू पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन बर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी आपको पेंसिल ड्राइंग में ब्लेंडिंग, एक अच्छा ब्लेंडिंग देने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और शेडिंग का जो पोजीशन है, सही पोजीशन होना वो बहुत ज़रूरी है। तो इस सभी बातों को आपको एक रियलिस्टिक पेंटिंग बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी। तो आई होप आपको इस वीडियो से रियलिस्टिक ड्राइंग और पेंटिंग के बारे में कुछ नॉलेज मिला होगा, कुछ वैल्यू मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो आर्ट फील्ड में हैं और जिन्हें इस तरह की वीडियो देखना पसंद है। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। तो मैं हिमांशु शेखर आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।